अपने कपड़ों को धोने के लिए हम डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं। ये मैल, पसीने और काम करते वक्त लगने वाले दागों को हटाता है, लेकिन क्या इनके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं? हर बार जब आप डिटर्जेंट्स का यूज करते हैं तो उसका प्रभाव हमारे पर्यावरण यानी एनवायरमेंट पर पड़ता है। सबसे पहले बताइए, पाउडर्ड या लिक्विड साबुन कौन से केमिकल्स या पदार्थों से बने होते हैं? वीडियो को रोकिए और सोचिए। हम जिन केमिकल्स का यूज कपड़ों के दाग हटाकर उनमें सफेदी लाने के लिए करते हैं, वो एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर होते हैं। इनमें कई सर्फेक्टेंट्स होते हैं जो चिकने दागों को पानी में घुलने में मदद करते हैं ताकि उन्हें आसानी से हटाया जा सके। पाउडर्ड या लिक्विड साबुन और डिटर्जेंट्स अक्सर बेसिक होते हैं और केमिकल बॉन्ड्स को तोड़ने में मदद करते हैं। ये एसिड्स को न्यूट्रलाइज करते हैं और कुछ सर्फेक्टेंट्स के काम को आसान बनाते हैं। कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स या एंजाइम्स भी खाने पीने के दागों में पाए जाने वाले फैट्स, प्रोटीन्स और स्टार्च को हटा सकते हैं। कपड़ों को एक विशेष खुशबू देने के लिए डिटर्जेंट्स में कई सुगंधित केमिकल्स भी मिलाए जाते हैं। जबकि ब्लीचेस में पाए जाने वाले परऑक्साइड या फ्लोरोसेंट व्हाइटनर्स आपके कपड़ों को एक नई चमक देते हैं। डिटर्जेंट को वॉशिंग मशीन में यूज करने से पहले इसे मैन्युफैक्चर किया जाता है और यही वो जगह है जहां पर एनवायरनमेंट से जुड़ी समस्याएं पनपती हैं। आपने कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में तो सुना होगा, यदि नहीं सुना है तो आप हमारे चैनल पर इसका वीडियो देख सकते हैं। माना जाता है कि यदि एक कार एक मील चलती है तो उससे आधी किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। अमेरिका में एक घर में एक साल में औसतन 300 बार कपड़े धुलते हैं। इसका मतलब हुआ कि एक साल में यूज किए गए लॉन्ड्री डिटर्जेंट्स के कार्बन फुटप्रिंट्स लगभग 218 किलोग्राम होंगे। हालांकि ये वैल्यू कम लगती है, लेकिन ये सिर्फ डिटर्जेंट यूजेस की कैलकुलेशन है। इसमें वॉशिंग मशीन या ड्राइंग अप्लायंसेस द्वारा यूज की जाने वाली एनर्जी शामिल नहीं है। जब आप दुनिया भर के लोगों द्वारा यूज किए जाने वाले डिटर्जेंट के कार्बन फुटप्रिंट्स के बारे में सोचेंगे तो ये वैल्यू बहुत ज्यादा होगी। दूसरी ओर धुलाई में यूज किए जाने वाले डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स जब नदियों या नहरों में मिलते हैं तो उनसे बड़ी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। क्या आप बता सकते हैं कि इससे क्या समस्याएं आएंगी? वीडियो को रोकिए और सोचिए। इसका आंसर होगा, डिटर्जेंट्स में पाए जाने वाले केमिकल्स पानी में रहने वाले जानवरों के लिए जहरीले होते हैं। इसी तरह का एक केमिकल है फॉस्फेट। ये बहुत से वॉशिंग पाउडर्स में पाया जाता है और इससे यूट्रोफिकेशन होता है। ये तब होता है जब ज्यादा मात्रा में फॉस्फेट झीलों और नदियों में मिलता है, जिससे उनमें बड़ी मात्रा में पौधे और एल्गी उगने लगते हैं। समस्या की शुरुआत तब होती है जब ये पौधे और एल्गी मर जाते हैं। जो बैक्टीरिया इन डिकेइंग प्लांट्स को खाते हैं वे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन का यूज करते हैं। घुली हुई ऑक्सीजन में कमी के कारण झील में पाए जाने वाले जीवों की वैरायटी में परिवर्तन आ जाता है। उदाहरण के लिए व्यापार और मनोरंजन में यूज होने वाली मछली ट्राउट अनावश्यक मछली कार्प से रिप्लेस हो रही है, क्योंकि ट्राउट के मुकाबले कार्प पानी में कम घुली हुई ऑक्सीजन होने पर भी सरवाइव कर सकती है। यह भी संभव है कि कोई मछली बचे ही ना। एनवायरमेंट पर होने वाले इन दुष्प्रभावों के कारण उपभोक्ता ग्रीन डिटर्जेंट्स को विकसित करने पर बल दे रहे हैं। आज आप उन डिटर्जेंट्स को भी यूज कर सकते हैं जिनमें कोई परफ्यूम या डाइज नहीं होते। इनमें जनरली फॉस्फेट नहीं होता और ये पूरी तरह बायोडिग्रेडेबल होते हैं। इसके अलावा इन्हें ठंडे पानी में यूज करने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों है? वीडियो को यहीं रोकिए और सोचिए। इसका आंसर ये है कि ठंडे पानी का यूज करने से वॉशिंग मशीन द्वारा पानी को गर्म करने के लिए आवश्यक इलेक्ट्रिसिटी में कमी आएगी, जिससे कि हर वॉश साइकिल से जुड़े कार्बन फुटप्रिंट में भी कमी आएगी। वहीं दूसरे तरीकों में कॉन्सेंट्रेटेड फार्मूलों का यूज शामिल है। इसमें डिटर्जेंट्स की पैकिंग के लिए यूज होने वाले बॉक्सेस का लिमिटेड यूज किया जाता है, जिससे शिपिंग और ट्रकिंग लोड कम होता है और कम ऑयल यूज होता है।